दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यह हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। बड़े बदलावों के साथ उतर सकती है भारतीय टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले दूसरा टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हो, एक खतरनाक टीम मानते हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 अगस्त से खेला जाएगा। इससे पहले एंटीगा में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत ने 318 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम किया था। इससे पहले भी भारत ने वनडे और T20 सीरीज को भी अपने नाम किया था। दोस्तों विंडीज इस दौरे पर एक भी मैच अपने नाम नहीं कर पाई है। दोस्तों आप सभी को बता दी कि वेस्ट इंडीज और भारत के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला जमैका के सबीना पार्क में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे से शुरू होगा। मैच के लिए टॉस 7:30 पर होगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में शाम 7 बजे से ही शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर 2016 में भी टेस्ट मुकाबला खेला गया था और उस मुकाबले में भारत के लिए KL राहुल और रहाणे ने शतक बनाया था। वहीं पर विंडीज के लिए रोस्टन चेस ने मैच में अंतिम दिनों में शतक लगाया था। दोस्तों आप सभी को बता दी कि भारतीय टीम यहां पर दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतना चाहेंगे। दोस्तों वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारतीय टीम अब अपना आखिरी मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। पहले टेस्ट मुकाबले में आसानी से जीत दर्ज करने वाली विराट कोहली की टीम इस मैच में भी जीत दर्ज करके वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ करने का पूरा प्रयास करेगी। दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच जमैका के मैदान में खेला जाएगा। इस पिच पर विराट कोहली अपने सबसे मजबूत टीम के साथ खेलने के लिए उतरेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है यह हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दी कि यहाँ पर नंबर एक पर आएंगे मयंक अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, सलामी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर से युवा मयंक अग्रवाल के हाथों में होंगी। इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले सीरीज में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों पारियों में मयंक अग्रवाल जल्द ही पवेलियन लौट गए थे, जल्द ही आउट हो गए थे। अब दूसरे टेस्ट मैच में भी बड़ा स्कोर बनाकर वह टीम में अपनी जगह पक्की करने का प्रयास करेंगे और दोस्तों आशा करते हैं कि नंबर एक पर खेलने वाले मयंक अग्रवाल सलामी बल्लेबाज बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। दोस्तों यहां पर नंबर दो पर आएंगे KL राहुल। जी हाँ दोस्तों, दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में KL राहुल नजर आएंगे। इस खिलाड़ी ने पिछले कुछ टेस्ट मैचों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भी KL राहुल ने अच्छी शुरुआत तो की थी, लेकिन उस पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए थे और अब वह दूसरे टेस्ट मैच में भी बड़ा स्कोर बनाकर खुद को एक बार फिर से साबित करना चाहेंगे कि वह KL राहुल कितना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता कि यहां पर KL राहुल दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दी कि नंबर तीन पर यहां पर चेतेश्वर पुजारा को मौका मिलेगा। दोस्तों आप सभी को बता दी कि टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के मजबूत खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और टीम इंडिया को जीत भी दिलाई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पुजारा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, बहुत अच्छा खेल नहीं दिखा पाए और जल्द ही पवेलियन लौट गए थे। अब दूसरे टेस्ट मैच में भी वह बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करके एक शानदार बढ़िया शतक लगाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों यहां पर नंबर तीन पर चेतेश्वर पुजारा को मौका मिलेगा।
यहाँ पर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर नंबर चार की, तो यहाँ पर विराट कोहली को मौका मिलेगा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली नंबर चार पर खेलते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोहली के रिकॉर्ड बहुत ही शानदार हैं। उन्होंने ना जाने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। पहले टेस्ट मैच में वह अपने लय में नजर नहीं आए थे, लेकिन वह विराट कोहली हैं जो कि दूसरे टेस्ट मैच में फैंस उनके बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकते हैं और शानदार तरीके से दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाने की विराट कोहली कोशिश करेंगे। ऐसे में दोस्तों नंबर चार पर यहाँ पर विराट कोहली आएंगे। वहीं पर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर नंबर पाँच की, तो यहाँ पर आएंगे अजिंक्य रहाणे। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के उप कप्तान और पिछले टेस्ट मैच के जीत के हीरो रहे अजिंक्य रहाणे ने पहले टेस्ट मुकाबले के दोनों पारियों में बढ़िया रन बनाए थे। आप सभी को बता दें कि दूसरे पारी में उन्होंने शतक भी लगाया था। अब दूसरे टेस्ट मैच में भी अजिंक्य रहाणे अपने बल्ले से खूब रन बनाने का प्रयास करेंगे और टीम इंडिया में अपना बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करवाने की भी कोशिश करेंगे, अपने टीम को एक और जीत दिलाने की भी कोशिश करेंगे। आप सभी को बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने पहले टेस्ट मुकाबले के पहले पारी में 81 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं पर दोस्तों दूसरे पारी में 102 रन बनाए थे और 10वां शतक लगाया टेस्ट करियर का। तो ऐसे में अजिंक्य रहाणे पर सबकी निगाहें होंगी कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए अपने टीम को एक और जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। यहां पर दोस्तों नंबर 6 पर ऋषभ पंत को मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत एक बार फिर से नजर आएंगे। पिछले मैच में पंत के बल्ले से कुछ खास नहीं प्रदर्शन कर पाए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत ने ठीक ठाक काम किया था। खुद विराट कोहली भी उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए वह प्लेइंग 11 में है और उन्हें साबित करने का एक और मौका दे सकते हैं। पंत भी इस मैच में खुद को साबित करना चाहेंगे। बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करके पंत एक बार फिर से भारतीय टीम को एक और जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ पर हनुमा विहारी को मौका मिलेगा। एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर के रूप में हनुमा विहारी पिछले मैच में खेले थे। हालांकि उन्होंने गेंदबाजी बहुत ही कम की थी, लेकिन बल्ले से विहारी ने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी और पिछले मैच में वह शतक भी आप सभी को बता दें कि बेहतरीन तरीके से शतक लगाने वाले थे। 93 रन पर थे लेकिन आउट हो गए। तो आप सभी को बता दें कि वह पहले टेस्ट मुकाबले में शतक से भी चूक गए थे और आप सभी को बता दी कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में वह खुद को एक बार साबित करने का मौका देना चाहेंगे और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बेहतरीन जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। यहां पर दोस्तों बात की जाए यहां पर नंबर 8 की, तो यहां पर रविंद्र जडेजा को मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय में जडेजा ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। विश्व कप के सेमीफाइनल में उनकी पारी के बाद एक बल्लेबाज के रूप में उनका बहुत ही ज्यादा कद बढ़ गया है। आप सभी को बता दी कि पहले टेस्ट मैच में जडेजा ने अपने बल्ले से अच्छा किया था, लेकिन गेंद से कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। अब इस मैच में वह अपने गेंद और बल्ले से दोनों से बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि वह क्यों सर जडेजा के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे में दोस्तों नंबर 8 पर यहाँ पर रविंद्र जडेजा को मौका मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों नंबर 9 की बात की जाए तो यहां पर मोहम्मद शमी को मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी, जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी को यहां पे दूसरे टेस्ट मुकाबले में मौका मिलेगा। मोहम्मद शमी ने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उन्हें विकेट उतना ही नहीं मिल पाया था। दोस्तों आप सभी को बता दी कि टेस्ट क्रिकेट में शमी ने पिछले कुछ समय में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अब दूसरे टेस्ट मैच में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करेंगे, नहीं सॉरी दोस्तों, शानदार गेंदबाजी करेंगे और बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे और टीम इंडिया को एक और जीत दिलाते हुए शमी कुछ तो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर दोस्तों बात की जाए यहां पर नंबर 10 की, तो ईशांत शर्मा को यहां पे मौका मिलेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और पूरे मैच में 8 विकेट निकाले थे। बल्ले के साथ ही शर्मा ने बहुत
बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। अब दूसरे टेस्ट मैच में वह अपना खेल दिखाना चाहेंगे। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को एक और जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर नंबर 11 की, तो यहाँ पर भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज और भारतीय टीम के जान माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह को मौका मिलेगा। दोस्तों भारतीय टीम के पिछले कुछ समय से मुख्य गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह ने दूसरे पारी में आक्रामक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए थे और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का सूफड़ा साफ कर दिया था, उनकी कमर तोड़ दी थी। अब आप सभी को बता दी कि अब वह अपने गेंदबाजी में लय में चल रहे हैं और दूसरे टेस्ट में भी वह लय बरकरार करना चाहेंगे और भारतीय टीम को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहेगा टीम इंडिया को जीत दिलाने में। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दी कि मेरे दिल में यहां पर एक ख्याल आ रहा है, एक क्वेश्चन है कि इस प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया गया है। यहां पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठकर आ रहा है कि क्यों रोहित शर्मा को भारतीय टीम के दूसरे टेस्ट मैच में भी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को दूसरे टेस्ट मुकाबले के प्लेइंग 11 में खेलना चाहिए? इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा के बेहतरीन फैन हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि रोहित शर्मा को इस टेस्ट मुकाबले में मौका मिले। तो और दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद उसके बाद नीचे जाइए, वहां पर लाल वाले सब्सक्राइब वाला बटन होगा उसको जरूर दबाइए ताकि क्रिकेट से जुड़ी, रोहित शर्मा से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना है। तो हमें आप एक और सवाल है जिसका जवाब जरूर दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले को कौन जीतेगा, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।